कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जहां पूरे देश की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई है, तो वहीं स्कूल एवं सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद पड़े हैं। अब इन सब के चलते निजी स्कूल के शिक्षक आर्थिक तंगी की मार झेल रहे हैं। आर्थिक तंगी झेल रहे निजी स्कूल के शिक्षकों ने शनिवार को राजनांदगांव कलेक्ट्रेट परिसर के सामने धरना प्रदर्शन किया और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। निजी स्कूल शिक्षक संघ ने आरटीआई की बकाया राशि के भुगतान और सक्षम पालकों द्वारा फीस जमा करने संबंधी मार्ग पर जिला प्रशासन द्वारा जल्द आदेश जारी करने की मांग की है, ताकि निजी स्कूल के शिक्षकों को उनकी पेमेंट समय पर मिल सके। इस दौरान निजी शिक्षक संघ के प्रदर्शन को कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल का समर्थन मिला। कांग्रेस की ओर से महापौर हेमा देशमुख तो वही भाजपा जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने प्रदर्शन स्थल पहुंचकर निजी स्कूल शिक्षक संघ को अपना समर्थन दिया। चूंकि लॉकडाउन के तहत उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था, एक नोटिस जारी किया था कि किसी भी पालक से फीस वसूली नहीं करना है। सुबह हो गई बात मार्च अप्रैल की, अब है महीना अक्टूबर। अगर डीईओ साहब और कलेक्टर साहब अपील नहीं करेंगे पेरेंट्स को कि फीस देना शुरू करें, तो ये टीचर्स आगे का कैसे करेंगे? ये लोग ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखे हैं अभी तक के, मगर पेन डाउन करने में ज़्यादा समय नहीं है। अगर इन टीचरों को सैलरी नहीं मिलेगी तो देर सवेर पेन डाउन हो जाएगा, टीचर्स भी पढ़ाना बंद कर देंगे। तो मैंने निवेदन किया कि आपको राजपत्र जो शासन का आया है उसके तहत ही काम करना पड़ेगा। जो फीस निर्धारित की गई है वो फीस हर स्कूल के अधिकार में वो लेगा, और जब वो लेगा तो सारी समस्याओं का हल हो गया है। चूंकि इनको अपने अधिकार और अपने बात रखने का पूरा इस स्वतंत्र भारत में है अधिकार, तो वो रख सकते हैं। मैंने अपने बात रख दी है, सरकार की बातें रख दी है, और जो कुछ रहेगी उसको मैं आगे आकर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से ही प्रदेश के अंदर वो नियम लागू हो गया, तो प्रशासन को चाहिए कि उस नोटिफिकेशन के आधार पर तत्काल स्कूल प्रबंधन और पालकों के बीच मीटिंग करा करके उनकी टीम गठित करके जो भी समस्या का समाधान है वो हो जाए। लेकिन ये लोग बार बार, पालक भी यहाँ बैठ रहे हैं, टीचर भी यहाँ बैठ रहे हैं, और स्कूल प्रबंधन भी उनको बार बार मिल रहा है, इन सब के बावजूद निराकरण करने के बजाय, निराकरण की दिशा में कदम उठाने के बजाय उसको टालते जा रहे हैं। तो जो निजी स्कूलों के शिक्षक हैं उनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, उनसे हम ये पूछने के लिए गए थे कि आपने प्रशासन से अनुमति ली है क्या, लेकिन उनके पास किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। इसी बात की उनको हिदायत दी जा रही थी कि अगर इतने सारे लोग कहीं भी इकट्ठा होते हैं या कोई भी आंदोलन करते हैं उसके लिए प्रॉपर प्रशासन से अनुमति मांगनी चाहिए और हमको उसकी सूचना देनी चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में महिलाएं वहां पर उपस्थित थी, तो प्रॉपर वहां पर बल लगाया जाता, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाई थी इनकी सूचना नहीं देने के कारण। तो इन्हीं बातों पर उनको निर्देशित किया जा